याद कर रहा हूँ वो दिन 10 अक्टूबर 2010 यानी कि उसको हम टेन 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 के नाम से जानते हैं हिमाचल में उस दिन स्वामी ने एक प्रोग्राम हमने हिमाचल के बच्चों ने भी और ट्राइबल्स ने भी और बड़ों ने भी सभी ने मिलकर किया था एक प्रोग्राम भगवान के सामने और उसे सभी जानते हैं कि वो भगवान का लास्ट प्रोग्राम था इस शरीर को छोड़ने से पहले पहला प्रोग्राम ऐसा था जो रात के दस बजे तक चला और स्वामी दस बजे तक वहाँ पर हिले तक नहीं उसका नाम भी था दस अवतार तो मतलब एवरी थिंग इज टेन और उसे डायरेक्ट करने के लिए हमारे पूरा स्टेट आप डायरेक्शंस केम फ्रॉम कमला पांडे मैम निमेश पांड्या जी डॉक्टर नीता खन्ना और देवर ऑल इंस्ट्रूमेंटल इन डायरेक्टिंग दिस प्ले सविता वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कलेक्टिंग ऑल द थिंग्स फॉर दैम यानी कि पहनावा उनका उस स्क्रिप्ट लिखना स्क्रिप्ट के जितने भी सब कुछ मैं कहूँगा मतलब इट वॉज़ अ वेरी कंबाइंड एफर्ट ऑफ मेनी डिवोटीज मैनी बाल विकास गुरुज और छः महीने से इसकी तैयारी चल रही थी आपको मालूम है स्वामी कैसे टेस्ट लेते हैं आपका दस तारीख से पहले इट वॉज दिस टाइंड कि वो प्ले होना है दो तारीख को दो से लेकर दस तक दस को हमारा रवानगी का दिन था हमें वापस आ जाना था शिमला सभी की बुकिंग हुई हुई थी कनाडा एक्सप्रेस से सभी लोग वापस आते थे हमारे साथ करीबन करीबन थर्टी ट्राइबल्स भी साथ में गए हुए थे तो एक ट्राइबल डांस जो है उन्होंने भगवान के लिए उन्होंने सभी ने मिलकर भगवान के लिए तैयार किया था

भगवान के सामने दिखाने लायक है भी नहीं प्ले बट हम मानते थे कि इट वॉज़ अ म्यूजिकल प्ले दैट वॉज टू बी सीन बाय भगवान शी सत्य बाबा और भगवान ने टाइम दिया हमें दस तारीख को दस तारीख को भगवान ने वो प्रोग्राम देखना था उस समय ऐसा होता था कि जो स्टेट के स्टेट प्रेजिडेंट होते हैं वो साथ में बैठेंगे भगवान के बट एज़ हमारे स्टेट प्रेजिडेंट भगवान के साथ रहते थे अंदर रेजिडेंस में वो मौका मुझे दिया गया तो भगवान का जैसे चाह थी भगवान ने मुझे साथ बैठने का मौका दिया एंड आई वॉज़ इंट्रोड्यूसिंग एवरी पर्सन टू भगवान भगवान से बात यानी कि मैं कहूँगा तीन घंटे का वो इंटरव्यू भगवान के साथ मेरा था भगवान सात बजे आए होंगे सात से दस बजे तक जो है वो भगवान के साथ रहने का मौका बात करने का मौका हर चीज़ भगवान में से पूछना भी हो तो मुझसे पूछेंगे ऑब्वियसली वो सब कुछ भगवान ने दिया अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था सबसे पहले ट्राइबल्स का डांस था अराउंड बारह मिनट का उसके बाद बच्चों का दस अवतार सारे सिक्वेंसेज से दस अवतार के और एंड में भगवान का अवतार आना था दसवा अवतार तो छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे सभी इतने अच्छे कॉस्ट्यूम्स में इतने अच्छे अटायर में अपने भगवान के सामने प्रोग्राम करने वाले थे और भगवान जैसे जैसे भगवान का जो कारवा है वो रेजेंस से निकलता है और पूरा खदा खज -ख़ध भरा हुआ साइकिल वंथ हॉल टोटली फुल और भगवान का जो कारवाँ आता 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 भगवान ऊपर डैस पे आ गए मुझे भगवान ने आदेश दिया कुछ बोलने के लिए बोलने के बाद जब मैं भगवान के साथ बैठता हूँ भगवान के साथ नेक्स्ट चेयर के साथ बैठा हुआ था आई वॉज़ टाइम एंड अगेन ट्राइंग टू टच दैट चेयर भगवान का भगवान के साथ भी मेरे संपर्क बना रहे और मैं भगवान की तरफ देखते जा रहा था परंतु मेरा दायित्व ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे आगे भी देखना है सभी को जितने कलाकार हैं जितने लोग आगे लगे हुए हैं उनको भी डायरेक्ट करना है सब कुछ कोऑर्डिनेट करना था कोऑर्डिनेशन के देखते देखते क्या देखता हूँ भगवान का टफ टफ हेयर वहां का क्राउन उस क्राउन में क्या देखता हूँ एक छोटा सा इंसेक्ट जिसे वो कहते हैं ना बीटल हार्मलेस इंसेक्ट वो सब वो ऐसे ऐसे कुछ वो इट फाउंड इट्स वे शायद भगवान से संपर्क चाहता था वो वो भगवान के उस टफ्ट में प्रवेश कर जाता है अंदर मुझे बहुत बुरा लगा बहुत बुरा मतलब अभी भी सोच कर लगता है कि भगवान आपको तो किसी को इंसेक्ट को तो मतलब मच्छर को तक को छूना नहीं है भगवान आपको वो कैसे एंट्री मार गया तो आई वॉज जस्ट कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट इट एंड भगवान के चेयर के साथ जो व्यक्ति दूसरे बैठे थे रिस्पॉन्सिबल वो भी उनको मैं इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ है बट कैसे करें प्रोटोकॉल डिमांड या मेरी जो भी वहाँ डिसिप्लिन डिमांड्स की आई शुड नॉट से एनी थिंग आई शुड नॉट बी एक्स्ट्रा वर्ड मुझे बोलना नहीं एक्स्ट्रा इशारा मुझे नहीं करना है और भगवान की तरफ मैं देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स दैट वॉज माइक आई कॉन्टैक्ट विद स्वामी और स्वामी बीच बीच में मुझे, मुझे देख रहे हैं ऐसे टेडियन से देखते जा रहे हैं कि मुझे देखता जा रहा है एंड आई वॉज लुकिंग टूअर्ड दैट इंसेक्ट एंड कोशिश मन में हो रही थी कि मैं हाथ से उठाऊं और हाथ से उसको इंसेक्ट को बाहर निकाल दूं पर वो होना नहीं था तो पंद्रह बीस मिनट के बाद वो अपने आप भगवान ने थोड़ा सा हल्का सा हिले होंगे कुछ वो निकल के इट फ्लू ऑफ जेन इट फ्लू ऑफ भगवान ने पूरी गर्दन मेरी तरफ घुमाई स्माइल करा और पूछा सब ठीक है दैट वॉज़ वन वे और स्वामी गिविंग एंड आई टू आई कॉन्टैक्ट विद मी फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स टोटल मेडिटेशन टोटल थिंकिंग आउट स्वामी उसके साथ साथ वो प्ले फिर वो चलता रहा तो उसके बाद भी बीच बीच में भगवान कितनी बार मुझसे बात किए प्ले ख़त्म भी होता है उसके बाद गिफ्ट में भगवान ने सबको सूट्स देने थे सौ लोगों को सूट मिलना था भगवान ने मुझे बुलाया जब सबको सूट मिल गया तो भगवान मुझे आके बुलाते हैं सबका हो गया मैं स्वामी सबका हो गया स्वामी नहीं हुआ ही सेड इशारा किया एक और लाओ दैट वॉज स्पेशल सूट फॉर मी भगवान ने अपने हाथ से मुझे फिर वो सूट दिया I remember during that whole program, I had Charan nine times. And I was just thinking, Swami ki Swami soch I am a teacher. I am a teacher who is coordinating this program. And Swami kept his hand on my shoulder and he said, but the word not doctor, he said surgeon. And that surgeon word and then I explained to him, कि वॉट आई डू एन थिंग्स थिंग थिंग्स और उसके बाद भगवान मतलब आप एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था 2010 में 10 तारीख को रात को और वो भी बात ऐसे स्वामी से हो रही है और स्वामी के साथ साथ चेहर कर चलने का क्योंकि कोई आप रोक नहीं रहा था कोई भी आपको रोक नहीं रहा टोक नहीं रहा आप पूरे बच्चों के साथ जितने भी कलाकार थे सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे सबसे मिलते जा रहे थे एन आई वॉज वॉकिंग विद स्वामी यानी कि स्वामी के साथ चलते 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 आई वॉज जस्ट इंजॉइंग माई मोमेंट्स इंजॉइंग माई लाइफ मेरे वाइफ को भी जब आती है ऊपर तो उन्हें भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था शीज़ डॉक्टर आई कॉन्ट स्पीक आउट ये डॉक्टर सविता है या आई वॉज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग स्वामी जितने भी लोगों ने इसमें हेल्प किया था प्ले में उसमें सब कुछ बट मतलब कहने का तात्पर्य है कि स्वामी ने इतना आनंद इतना प्रेम देते अभी स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है जब ख़त्म होने लगा था प्रोग्राम रात के दस बज चुके थे तो शांति नीलम से वो चली आती है ट्रेन दस बजे एग्जैक्ट और टूअर्ड दिल्ली आती है वो ट्रेन तो स्वामी ने मुझे बुलाया और कहते हैं कि ये लोग कितने बजे जाता है आई कॉन्ट हेयर वॉट स्वामी वॉज से तो साथ वाले जो बंदे था उन्होंने बताया मुझे कि स्वामी पूछ रहे हैं ये लोग कितने बजे जाता है यानी कि जो ट्राइबल लोग थे वो थर्टी पीपल वो कितने बजे जाते हैं तो मैं कहा स्वामी दस बजे ट्रेन जाता है तो स्वामी कहते हैं रन तो हम लोगों ने क्या किया था वो कुछ तैयारी की हुई थी बाहर ही आश्रम के दीवार के साथ सबका सामान रखा हुआ था उन लोगों का खासकर वो सामान रखा हुआ था वो सामान ऐसे हम भागे वहाँ से विद कॉस्ट्यूम्स विदाउट कॉस्ट्यूम सब कुछ कुछ छोड़ा कुछ लिया सब उठा कर भागते हैं कि शायद ट्रेन मिल जाए वो स्वामी ने कहा तो मिलेगी ट्रेन के बाहर सामान उठा कर पहुँचते हैं तो बाद सात गाड़ियाँ खड़ी हुई थी गाड़ियाँ मतलब सात व्हीकल्स व पार्क एक एक अलग अलग कोई एस टीम थी कोई थ्री व्हीलर थे दो एस एस सी गाड़ियाँ थी उस खा फटाफट बैठिए 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 एवरीवडी वॉज अचरेंगा सिंह चलिए 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 अभी स्वामी बैठे हुए हैं और हम उन गाड़ियों में सवार होकर टूवर्ड द स्टेशन जब स्टेशन पहुँचते हैं हम सोच कर यही गए थे कि ट्रेन निकल चुकी होगी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखा गया ट्रेन सिग्नल पे खड़ी हुई है ट्रेन हैड नॉट येट एंटर द स्टेशन और जैसे हम एंटर करते हैं ट्रेन छुक 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 स्टेशन में आती है सब लोग अंदर आई थॉट गरीब आदमी हैं ट्राइबल लोग थे इन्होंने कुछ खाया नहीं था अब वो एक थाट ही मेरे मन में आया तो एक जो वेंडर है वो थर्टी फूड पैकेट्स लेकर वहाँ पर आता है मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसे ऑफ़र किए मैंने बहुत कम थोड़े से मीघा अमाउंट दिया होगा ही टुक थर्टी पैकेट्स उनको थर्टी पैकेट ऑफ वाटर मतलब आप इमेजिन कीजिए पूरी गिनती के हिसाब से तीस लोग तीस खाना तीस पानी सब कुछ दिया मैं बाहर आता हूँ उन्हें बाय कर कर और बाहर आके देखता हूँ क्यों एक थ्री व्हीलर में खड़ा था बाकी सब गायब उनका कोई मैंने किराया नहीं दिया कुछ नहीं किया कहाँ से आए थे भगवान ने भेजे थे वो सब भगवान ने किया और उसको लेकर जब मैं वापस आता हूँ अपने साई कुलवंत हॉल के पास पहुँचता हूँ तो जब मैं आई वॉज़ इमेजिनिंग कि स्वामी मस्ट बी सिटिंग देयर अगेन वेटिंग फॉर वी बट जब वहाँ पहुँचता हूँ तो वो खाली हो चुका था वहाँ पे सफाई का काम चल रहा था परंतु आई आई वॉज वंडरिंग मेरा जो गिफ्ट भगवान ने दिया था वो कहाँ होगा वो हो सब होगा बट इट सुरक्षित था सब कुछ तो भगवान ने उस समय पर इतना ट्रिप्स किया दस दस और दस जो था वो दस अवतार वो भगवान का दश अवतार आज भी जो है हमारे सभी के हाथ में इम्प्रिंट हुआ हुआ है स्वामी हमारे सभी के बीच में है स्वामी आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्वामी सुन रहे हैं स्वामी हमारे कानों में भी हैं हमारी जिवा पर भी हैं इज ऑन a टंग स्पीकिंग आउट थिंग्स and आई एम एबल टू डिस्क्राइब हिज मेरेकल्स या हिज कनेक्शन विद मी ऑल बिकॉज ऑफ him. ही वॉन्ट टू स्पीक आउट आई जस्ट नॉट वॉन्ट टू ग्लोरीफाई थिंग्स बट भगवान की जो सच्चाई है भगवान हमारे साथ में है भगवान मेरे हृदय में है आपके हृदय में है और भगवान कन कन में बसते हैं हमारे वो सब भी आज हम सब महसूस करते हैं आप भी महसूस करते होंगे मैं तो बहुत ही महसूस करता हूँ हर वक्त महसूस करता हूँ ऑपरेशन करते हुए महसूस करता हूँ लिखते हुए महसूस करता हूँ बोलते हुए महसूस करता हूँ यदि आप चौबीसों घंटे भगवान के बारे में सोचते रहेंगे काम अपना करते रहिए यदि आप सोचते भी रहेंगे तो आप मान कर चलिए भगवान आपके हर एक कार्य में आपके साथ हैं और आपके कार्य को जो है भगवान हंड्रेड परसेंट जो रिजल्ट देना है ना वो भगवान देते हैं दैट हंड्रेड परसेंट जो पास मार्क्स हैं वो भगवान ने अपने आप आपको देना है समाधि में जब भगवान को जाना था महासमाधि अप्रैल महीने में जब वो सब हो रहा था भगवान का शारीरिक रूप जो है वो कुछ इलनेसेस की वजह से कुछ भगवान खुद भगवान ने संकल्प किया था मुझे ये शरीर छोड़ना है भगवान को अब हर जगह यूनिवर्सली प्रेजेंट होना था पूरे वर्ल्ड में पूरे ब्रह्मांड में भगवान को प्रेजेंट होना था केवल लिमिटेड नहीं रहना था भगवान को एक शरीर में तो भगवान ने सोचा होगा कि अब ये शरीर छोड़ता हूँ मुझे याद आ रहा है जब वो दिन आया सुबह के सात बजे या समथिंग जब सात बजकर कुछ मिनटों पर ऐसा कुछ खबर आई तो हम लोगों ने एकदम से डिसाइड किया कि अब हमें पुटापट्टी जाना है मैं था हमारे साथ दीदी हमारे डॉक्टर नीता खन्ना थे और सभी ने हमने डिसाइड किया था हम पुटोपति चलते हैं और भाग पड़े हम पुटोवर्ती के लिए टिकट्स नहीं मिल रही थी एयर टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गया था सब कुछ इट वाज लाइक मतलब इम्पॉसिबल टू रीच पुटोपर्ती ऐसा हो गया था बारिश तूफान आपके टेस्ट जो भगवान तब भी ले रहा था हम किसी तरीके से एक प्राइवेट बस करके हम दिल्ली पहुँचते हैं सुबह सुबह की फ्लाइट मिली थी छः बजे की पाँच बजे से कुछ मिनटों पहले हम दिल्ली के एयरपोर्ट से जस्ट बाहर दैट टू उस टर्मिनल से करीबन दो किलोमीटर पहले जो है हमें बस छोड़ देती है कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे बारिश बहुत तेज है आप यहीं उतर जाइए उतर गए वी वर इन डॉलरम्स नाउ अब कहाँ जाएँ कहाँ जाना है मुझे और दीदी साथ में महिला हमारे साथ में थी तो मैं दीदी को कहा कि अब करें तो करेंगे जैसे हम उतरते हैं हम अभी सोच ही रहे थे वहाँ का नाम ले ही रहे थे इतने में एक थ्री व्हीलर जो है वो कहीं से आउट ऑफ द ब्लू पूरे उस रेन को चीरता हुआ जो है हमारे पास पहुंचता है उसमें एक मुस्लिम ड्राइवर उसने वो टोपी डाली हुई थी मुस्लिम्स वाली और फ्लोइंग कुर्ता पायजामा वाइट कलर का जैसे गटेन अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ और हम फटाफट उसमें घुसे दौड़ता हुआ वो दो किलोमीटर वो लेकर चला गया विद इन अ फ्यू मिनट्स वी वर ऑन द गेट्स ऑफ द एयरपोर्ट जब गेट पे पहुंचते हैं उतरते हैं अभी हम सोच ही रहे थे उससे बात करेंगे स्वामी, स्वामी आए, हमें छोड़कर, पूरा पूरा हुआ तैयार थे हम समाधि की तरफ जाने के लिए महासमाधि के लिए और उस महासमाधि में आने के लिए मैं बता रहा हूँ वो एपिसोड अभी तक याद रहता है उसके बाद जब हम पहुंचते हैं वहां पे समाधि पर महासमाधि पर आई रिमेंबर है कंटिन्यूसली सिटिंग देर क्यूकन वेल इमेजिन कि अठारह घंटे वहाँ बैठ और भगवान के चरणों में ऐसा मौका मिला कि वहाँ बैठे रहा भगवान का अपना जो संकल्प था कि चाह थी कि मैं वहाँ बैठूँ और मैं बैठता रहा डिग्निटीज आते रहे आपने देखा होगा कि आते रहे लोग जाते रहे मेरा एक फ्रेंड है साई प्रसाद जीत जिक्र मैंने किया था वो भी कुछ देर के बाद मुझे उन्हें ज्वाइन किया वहाँ पर ही इज़ अ आर्डन डे बोटी उससे बहुत कुछ मैं सीखता हूँ कुछ लोग मुझे सिखाने के लिए होते हैं हम लोग सिखाते हैं कुछ लोग बाबा के बारे में बताते हैं तो वो भी आकर मेरे साथ में बैठ गए हम बातें कर रहे थे आपस में कि भगवान का ना जाने अंदर समाधि में क्या हो रहा होगा अंदर पर्दा लगा हुआ था तो जहाँ पर प्लेस करना था भगवान को उस जगह पर क्या कुछ हो रहा होगा अंदर हम बिल्कुल इमेजिन ही कर रहे थे क्या होना है क्या देख सकते हैं हम नहीं अंदर कोई किसी को नहीं था अलाउड अंदर प्रोटोकॉल ऐसा था जब सोच ही रहे थे अभी सोचना भी मतलब कि भगवान क्या है मैं मैं ये देखता क्या हूं कि भगवान हमारी सोच को भी जो है ना मॉनिटर करते हैं अभी भी सोच ही रहे थे हम ऊपर से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आते हैं अभी प्रेपरेशन के बीच में वेदर यस यू टू मतलब आप देखिए दो बंदों को आओ इतनी भीड़ भीड़ में से दो बंदों को इशारा करके बुलाया जाता है कि यू ट्यू कम हमने क्या कम मतलब मैं इधर उधर देखू हमें ही बुला रहे हैं ना हाँ जी आप दोनों को बुलाया जा रहा है तो आप आइए और हम फटाफट -फड़ उठ के दौड़ कर हम ऊपर पहुँच गए पर्दे के पीछे गए और हमें कहा कि यहाँ बैठिए समाधि अभी बन रही थी समाधि में मार्बल लग रहा था उसके अंदर तक डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा आपको परंतु दैट मार्बल पीस आई पी, थॉट कि मुझे भी इसका कुछ मोमेंटो कह लीजिए या उसकी याद कह लीजिए कुछ कह लीजिए एक छोटा सा पीस स्टोन का जो है वहाँ से शरारत में कह लीजिए अपनी याद के लिए भगवान की याद के लिए मैं उसे अपने साथ में लेकर अपनी पॉकेट में डाला उसको लेकर अपने साथ आ गया और वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई थी कि सिर्फ दो ही एक वो जो बोरी थी ना कट्टे जिसको बोलते हैं पंजाबी में दैट कट्टा वर्स फुल ऑफ सॉयल जो कि लास्ट में बच गए थे उसे उठाकर केवल बाहर तक ले जाना था वो दो बंदों को लेके जाना था तो दो के लिए हमें भगवान देखिए भगवान ने कैसे सुना भगवान सुनता कैसे सुनता है आपकी या मेरी कैसे सुनी उस वक्त और भगवान सिर्फ जो मैं चाह रहा था समाधि के दर्शन भी किए समाधि का अंदर का सब कुछ डिजाइन भी देखा डॉक्टरी माइंड है सर्जिकल माइंड है सर्जरी कैसे हुई है अंदर कैसे कैसे काटा गया होगा उस जमीन को उसमें कैसे फ्रेम किया गया होगा अंदर भगवान कंफर्टेबल रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे वो सब कुछ सोच रहे थे अंदर क्या क्या डाला जाएगा तो एवरी थिंग दैट आर्किटेक्ट इन साइड हु वॉज डूइंग इट केम टू बी लाइक नोइंग अस बाद में पता लगा और उसके साथ जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते जिसने बुलाया था मुझे ना उन्हें जानता ना पहचानता कुछ क्या करना है उसके वो सब कुछ हमने देखा अंदर सब कुछ भगवान ने सारा डिजाइन हमें बताया और हम कितने अंत में भी कह लीजिए भगवान नहीं छोड़ रहे थे हमें उस समय भी ना छोड़ा भगवान ने ना आज छोड़ेंगे भगवान ऐसा ऐसा इशारा हमें होता है और हमेशा 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 आज भी आज सुबह भी आते हुए भी ऐसे इशारे हो रहे थे भगवान समाधि के बाद देखिए भगवान क्या क्या मिलता है आपको क्या क्या दिखाते हैं अभी एज अ स्टेट प्रेजिडेंट आई वॉज गोइंग वी अरेंज द प्रोग्राम फॉर द ऑल इंडिया प्रेजिडेंट्स फॉर कांगड़ा विजिट दैट द होल विजिट वॉज प्लान पूरा कंगड़ा तैयार था एंड भगवान की ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान का नाम को भगवान को और सभी भक्त वहाँ के जो है सब तैयारी कर रहे थे कि भगवान आ रहे हैं ऑल इंडिया प्रेजेंट आ रहे हैं कि मतलब भगवान श्री सत्य बाबा आ रहे हैं उस हिसाब से चले हुए थे और अभी जो ग्लोबल काउंसिल की मीटिंग थी उसमें भी ऑल इंडिया प्रेजेंट ने रिलेट किया इस एपिसोड को जब भगवान वहाँ पर आते हैं तो एक एपिसोड ऐसा होता है कि उन्हें अपनी फ्लाइट में सो रही थी भगवान ने कैसे उन्हें स्पेशली उस एयरक्राफ्ट में बैठाया उसके बाद वो दोनों पहुंचते हैं वहाँ पर कांगड़ा के एयरपोर्ट पे और जब कांगड़ा एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कांगड़ा की एटी समथिंग डिस्ट्रिक्ट उनके सभी का एटी वन समिति सॉरी समिति के सभी जो यूथ हैं यूथ कोऑर्डिनेटर्स सब एक प्ले कार्ड लेके खड़े थे अपनी अपनी समिति के नाम का और जैसे जैसे वो उनको मिलते जा रहे थे विभूति वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ एवरी प्ले कार्ड

यदि हम देखें बर्थडे सेलिब्रेशन थी तो हर जगह पे कहीं पर अमृतम कहीं पर हनी कहीं पर मतलब दीज आर ऑल पासपोर्ट्स ऑफ भगवान भगवान बताते हैं हमें कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ आई हैव सीन यू डूइंग पूजा टुडे भगवान कहते हैं आज आपने ये कार्य किया है मैं उसको असेंट देता हूँ उसको कंसेंट देता हूँ आपका आशीर्वाद देता हूँ आपको पूरा आशीर्वाद मेरा आपके साथ है तो भगवान ऐसे ऐसे ही बात जो है वो समाधि भी अभी तक हमें दे रहे हैं मेरा बेटा जब बाल विकास की क्लास में जाता था बहुत सारे उसके साथ मेरिकल्स होते थे बचपन में उसने एक बाल विकास की कॉपी बनाई जिसमें वो सभी मंत्रों को लिखता था बहुत सारे वो अपने पिक्चर्स भी बनाता था पेंटिंग्स भी बनाता था और उनके मंत्रों के मीनिंग्स भी लिखता था एक बार मैंने वो कॉपी हमारी एक कार की सीट की बैक पॉकेट में डालकर रखी थी और वहाँ से उठाना भूल गई मेरे मदर इन लॉ उस गाड़ी में उसके साथ दूर की प्लेसेज यमुनानगर दिल्ली तक घूमकर वापस आ गए जैसे ही वो वापस आए तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब उस कॉपी को मैं उस कार से निकाल लेती हूँ कोई और उसको कार को बोरो कर कर ले गए और कुछ ही मिनटों के बाद उस कार का एक्सीडेंट